Dear viewers, I GK Yadav welcome you all in my YouTube channel, the Public Knowledge Classes. So my dear viewers, with the help of this video lecture, you will come to know how to translate some Hindi sentences correctly. आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कुछ sentences है जिनको सही तरीके से कैसे translate किया जाता है. बहुत सारे लोग हैं जो Facebook पे, Insta पे, WhatsApp पे गलत तरीके से post करते हैं knowledge के अभाव में. सो आज इस नॉलेज के अभाव को दूर करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. अभी जो हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्टरी. इंट्रोडक्टरी में जानते हैं क्या होता है. इंट्रोडक्टरी यानी कि जो अभी इट इंग्लिश ग्रामर में क्या एक पर्सनल प्रोनाउन है जो छोटे जीव जंतु या वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है. लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इट जो होगा वो डे को इंट्रोड्यूस करेगा, डेट को इंट्रोड्यूस करेगा, टाइम को इंट्रोड्यूस करेगा, सीजन को इंट्रोड्यूस करेगा, मंथ्स को इंट्रोड्यूस करेगा, ईयर को इंट्रोड्यूस करेगा, ओकेजन को इंट्रोड्यूस करेगा. जैसे आप जानते हैं कि आज सोमवार है, इस संडे को तो सब लोग बहुत ही गलत बोलते हैं. आज सोमवार है, बहुत सारे विद्यालय के बच्चे भी पीटी में बोलते आज सोमवार है, टूडे इज मंडे. टी ओ डी ए वाई, टूडे इज मंडे. एम ओ एन डी ए वाई, टूडे इज मंडे. जो 100% रॉन्ग टू टेल दैट, इट इज 100% रॉन्ग टू टेल. ये 100% कहना गलत है क्योंकि टुडे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज जनरली सब्जेक्ट के रूप में तो किया नहीं जाता है. और मुझे पता है कि इंग्लिश ग्रामर में डे को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास इंट्रोडक्टरी इट है. यहाँ इट का कोई अपना अर्थ है नहीं. इट का जो आप जानते हैं यह वह जो भी होता है इंग्लिश ग्रामर में इसका पर्सनल प्रोनाउन के रूप में. यहाँ इट का मीनिंग जो एक्चुअल मीनिंग यह होता है या वह होता है वो यहाँ अभी हम लोग इंट्रोडक्टरी इट में इसका कुछ मीनिंग ही नहीं होता है. यह सिर्फ डे को इंट्रोड्यूस करता है, डेट को इंट्रोड्यूस करता है, टाइम को इंट्रोड्यूस करता है, सीजन को इंट्रोड्यूस करता है, मंथ्स को इंट्रोड्यूस करता है, ईयर का इंट्रोड्यूस करता है. यानी कि जो इसका एक्चुअल मीनिंग है उस मीनिंग का यहाँ यूज नहीं है. ये इन चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ इंट्रोडक्टरी इट का यूज हम लोग सीख रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में होता है. तो आज सोमवार आपको पता है कि डे को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास इंट्रोडक्टरी इट है. तो इस सेंटेंस का जो सही ट्रांसलेशन होगा वो होगा इट इज मंडे टुडे. मंडे का एम कैप्चर होना चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. इट इज मंडे टुडे, टी ओ डी ए वाई. दैट दिस सेंटेंस इज 100% राइट टू टेल. तो ये 100% सही हो जाएगा क्योंकि डे को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्टरी इट है. तो आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे. सोमवार का दिन है, इट इज मंडे टुडे. अंडरस्टैंड. रविवार है, इट इज संडे. शनिवार है, इट इज सैटरडे. मंगलवार है, इट इज ट्यूजडे बोलेंगे, ना कि टुडे इज ट्यूजडे बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे. तो इंट्रोडक्टरी इट का यूज डे को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सीजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मंथ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ईयर को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. मैं अभी आपके सामने बहुत सारे सेंटेंसेस को लिखूंगा जो डे पे बेस्ड होगा, डेट पे बेस्ड होगा, टाइम पे बेस्ड होगा, सीजन पे बेस्ड होगा, मंथ पे बेस्ड होगा, ईयर पे बेस्ड होगा, ओकेजन पे बेस्ड होगा. और इन सारे सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्टरी इट वी हम लोग करेंगे. यानी विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्टरी इट वी विल ट्रांसलेट द सेंटेंसेस विच विल बी बेस्ड ऑन डे, डेट, टाइम, सीजन, मंथ, ईयर. सो प्लीज बी विथ मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डेट एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड जस्ट एज यू आर बींग बेनिफिटेड विद द हेल्प ऑफ माई एफर्ट. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू आर बींग बेनिफिटेड देन ट्राई टू हेल्प मी आउट एंड लेट मी the number of my subscriber S-U-B-S subscriber C-R-I-B-E-R subscriber जो होना चाहिए वो more than 200 होना चाहिए, 200 plus मेरा subscriber होना चाहिए. If you have been benefited with the help of this video, if you are being benefited with the help of this video, अगर इस video से अगर आपको थोड़ा भी लाभ होता है तो मेरे subscriber को gain करने में हमारी मदद करें ताकि मैं आसानी से चीजों को आपके लिए उपलब्ध कर सकूं और आप अपने examination में बढ़िया कर सके. सो माय डियर व्यूअर्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए कि कैसे मैं इन चीजों को ट्रांसलेट करता हूं, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि इंट्रोडक्टरी इट का यूज क्या है. आप जानते हैं कि इंट्रोडक्टरी इट का यूज डे का दर्शाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि डे को, दिन को बताने के लिए भी हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का यूज करते हैं. सोमवार था तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इट वॉज मंडे, एम ओ एन डी ए वाई. सोमवार का दिन था, इसका भी होगा इट वॉज मंडे. क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए
इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, इट है। तो इट वॉज सोमवार का दिन था, यानी सोमवार ही था ना। सही से अगर सोच कर देखेंगे तो आपका अर्थ एक ही निकलेगा, इट वॉज मंडे। सुबह है या सुबह का समय है, अंडरस्टैंड। इन दोनों का ट्रांसलेट होगा इट इज मॉर्निंग, morning, इट इज मॉर्निंग नाउ, दैट्स वाई कांट गो आउटसाइड। अभी सुबह इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता, बोल सकते हैं। दोपहर है या दोपहर का समय था, बात तो बराबर ही है। तो इट वॉज मिड डे, अंडरस्टैंड। जनवरी है या जनवरी का महीना है, बात बराबर है। जनवरी है या जनवरी का महीना, आप सोच कर देखिए, अर्थ तो एक ही आ रहा है। थोड़ा इवेल्युएट कीजिए अपने नॉलेज को, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इट इज जनवरी, JANURY, इट इज जनवरी, क्यों होगा। तो आप जानते हैं कि इट इंट्रोडक्टरी, इट का यूज जो होता है डे, डेट, टाइम, मंथ, ईयर को दर्शाने के लिए किया जाता है। मैं चीजों को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसको आसानी से देखिए। इसको देखने के बाद भी अगर आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट में लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो माई डियर व्यूअर्स, वी हैव मोर सेंटेंसेस दैट आर बेस्ड ऑन इंट्रोडक्टरी इट। यह देखिए, फर्स्ट सन 1948 था, यानी कि 1948 का साल था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट वॉज 1948। इसी से जुड़ा हुआ है, 1948 का साल था जब महात्मा गांधी को मारा गया, तो इट वॉज 1948 व्हेन महात्मा गांधी वॉज किल्ड। गर्मी का दिन था, इट वॉज समर, SUMMER, अंडरस्टैंड, इट वॉज समर। जाड़े का दिन था, इट वॉज विंटर। जाड़े का दिन है तो इट इज विंटर। जाड़े का दिन था तो इट वॉज विंटर। आज बहुत गर्मी है तो इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज वेरी हॉट टूडे, TODAY, ओके, टूडे इज वेरी हॉट नहीं बोलेंगे। चांदनी रात है, इट इज मून लेट नाइट, इट इज मून लेट नाइट। वसंत का समय था, इट वॉज स्प्रिंग, SPRING, इट वॉज स्प्रिंग। दोपहर का समय था, इट वॉज मिड डे। आधी रात का समय था, इट वॉज मिड नाइट। सुबह का समय है, इट इज मॉर्निंग। शाम का समय है, इट इज इवनिंग। बहुत गर्मी पड़ रही थी तो इट वॉज टेरिबली हॉट, TERRIBLY, इट वॉज टेरिबली हॉट। टेरिबली मतलब जो आपको बहुत परेशान कर दे। कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है तो इट इज वेरी हॉट इन कश्मीर, अंडरस्टैंड, इट इज वेरी हॉट इन कश्मीर, कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दैट वी हैव पार्ट टू भी हमारे पास होगा, जो इंट्रोडक्टरी इट पे बेस्ड होगा। उसमें आप बहुत सारे सेंटेंस को देखेंगे जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा इट के द्वारा। आप जानते हैं कि दिन, तारीख, महीना, साल, समय, ओकेजन को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है इंट्रोडक्टरी इट के द्वारा। जैसे कि दीपावली था जब तुम यहाँ नहीं थे, इट वॉज दीपावली वेन यू वर नॉट प्रेजेंट हियर। होली था जब तुम गांव से बाहर थे, तो इट वॉज होली वेन यू वर आउट ऑफ द विलेज, अंडरस्टैंड। जैसे कि जनवरी का महीना था जब हम लोग दिल्ली गए, इट वॉज जनवरी वेन वी वेंट टू दिल्ली। सो देयर विल बी मेनी सेंटेंसेस विच विल बी बेस्ड ऑन इंट्रोडक्टरी इट, एंड दिस ऑल दोज ऑल सेंटेंसेस विल बी ट्रांसलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्टरी इट। सो प्लीज कंप्लीट दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।